बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 एजुकेशन साइकोलॉजी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने 32 एमसीक्यूज कर लिए थे। अब हम 33 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर टुडे सेशन। इस जो लेक्चर्स हैं, इसमें हम एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं वन लाइनर, ठीक है। तो जो दूसरी मैंने सीरीज शुरू की हुई है ना, जिसमें हम सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम एजुकेशन साइकोलॉजी का जो चैप्टर है वो सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। अगर आप वो वाली वीडियो सुनेंगे तो आपको ये वाले एमसीक्यूज बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। आपने वो भी सुननी है और ये वाली भी, एजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्टिव भी सुननी है। ये उसके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। दोनों साइड बाय साइड पैरेलल चल रहे हैं ताकि ये जल्दी से ये चैप्टर ख़त्म हो सके। सो लेट्स बिगिन अवर टुडे सेशन। फर्स्ट है 33 क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे फाउंडर ऑफ साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी। जो फाउंडर थे ना साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी के, वो थे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड इसका साइको अनालिसिस थ्योरी जो है ना, साइको अनालिसिस थ्योरी जो है वो इन्होंने दी थी सिगमंड फ्रायड ने। और साइको अनालिसिस की थ्योरी को साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है 34, हाउ वी थिंक एंड फील इन अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। कहता है कि हम हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं और फील करते हैं जब हमारी अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस की मुख्तलिफ हालतें जब आती हैं हम पर सोचने की, तो हम कैसे सोचते हैं, वो हमारी ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में चला जाता है। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में स्टडी ऑफ माइंड एंड बॉडी रिलेशन इज, यानी कि स्टडी ऑफ माइंड एंड बॉडी रिलेशन, दिमाग और जिस्म का जो रिलेशन होता है, जो तल्लक होता है, उसके मुताले को कहते हैं ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। जिस्म और दिमाग के मुताले को कहते हैं, तल्लक के मुताले को कहते हैं ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। इसके बाद है 36, ट्रांसपर्सनल मीन्स बियॉन्ड द पर्सनल। ट्रांसपर्सनल मीन्स बियॉन्ड द पर्सनल। ये एमसीक्यूज हैं, आप वन लाइनर में लिखे हुए हैं ताकि टाइम भी बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कर सकें। तो आपने इनको याद रखना है। ट्रांसपर्सनल मीन्स बियॉन्ड द पर्सनल, यानी कि इंसान से भी दूर की बात है ये। आगे है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी को ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी भी कहते हैं। हु सेज मैन इज़ अ कॉन्शियस एनिमल। मैन इज़ अ कॉन्शियस एनिमल किसने कहा था? विलियम वुंडथ एंड जेम्स ने। विलियम वुंडथ एंड जेम्स ने कहा था। तो मैन इज़ सोशल एनिमल किसने कहा था? सामाजिक जानवर इंसान को किसने करार दिया था? अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। ये एमसीक्यूज बार बार आता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल किसने कहा था। हु सेज़ मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो वो अरिस्टोटल था। और हु सेज़ मैन इज़ अ कॉन्शियस एनिमल, तो वो विलियम वुंडथ एंड जेम्स थे, ठीक है। इसके बाद है 40 क्वेश्चन है 40वां, हु वाज फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट। पहला साइकोलॉजिस्ट कौन था? तो वो था अरिस्टोटल, अरस्तु था। फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय अरिस्टोटल। और पहली किताब जो साइकोलॉजी पर लिखी गई थी वो अरस्तु ने लिखी थी। और उस बुक का नेम क्या था? वो था पेरी साइकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो अब हम पढ़ रहे हैं, कि बार बार रिपीट होते हैं कि पहला साइकोलॉजिस्ट कौन था? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल की बुक का नाम क्या था? पेरी साइकी। तो ये आपने याद रखने हैं। 43 पढ़ते हैं, विलियम जेम्स पब्लिश्ड बुक ऑफ साइकोलॉजी इन 1895, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल साइकोलॉजी जो बुक है ये किसने लिखी थी? प्रिंसिपल साइकोलॉजी बुक 1895 में लिखी थी प्रिंसिपल साइकोलॉजी। तो ये विलियम जेम्स की बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल साइकोलॉजी। इसके बाद है 44 क्वेश्चन है, फादर ऑफ साइकोलॉजी इन यूएसए। अमेरिका में फादर ऑफ साइकोलॉजी को किसको कहा जाता है? तो वो विलियम जेम्स हैं। तो विलियम जेम्स का तल्लक किस से था, किस कंट्री से था? तो यूएसए से था। तो इनकी बुक का नाम भी आपने याद रखना है, प्रिंसिपल साइकोलॉजी, 1895 में पब्लिश हुई, और विलियम जेम्स अमेरिकन थे, ठीक है। इसके बाद है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? तो वो कहते हैं विलियम वुंडथ को। विलियम वुंडथ ने पहली लाइब्रेरी बनाई थी, फर्स्ट लाइब्रेरी बनाई थी, लेबॉरेटरी। तो कहाँ पर बनाई थी इसने? हु एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड फर्स्ट लैब। पहली लेबॉरेटरी किसने बनाई थी? विलियम वुंडथ ने। तो साइकोलॉजी तो कहाँ पर बनाई थी? 47 देखें, 47 विलियम वुंडथ सेटअप बनाई वर्ल्ड फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी इन, तो कहाँ बनाई थी? लिप्जिंग 1879 में।
जी, तो आपने ये तो विलियम वुड से तीन क्वेश्चन चार आते हैं कि देखें ना, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? विलियम वुड को। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉ फर्स्ट लैब किसने बनाई? विलियम वुड ने। कहाँ बनाई? लिप्जिंग में। कब बनाई? 1879 में। तो फादर ऑफ सिर्फ साइकोलॉजी का पूछे ना, सिर्फ साइकोलॉजी का, तो वो विलियम जेम्स था। और अगर वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का पूछें तो वो विलियम वुड थे, विलियम वुंड। ठीक है, तो आगे 48 क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई एज ऑफ अ चाइल्ड इज अर्ली चाइल्ड हुड, यानी कि बच्चा पूछते रहता क्यों हुआ, ऐसे क्या हुआ, तो वाई एज उसको कहते हैं अर्ली चाइल्ड हुड को। गैंग एज ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड लेट चाइल्ड हुड, यानी कि गैंग एज, बच्चा समझता है कि वो है ऐसे लड़ाइयाँ झगड़े करता है अपने आप को बहुत, गैंग एज, शोर शराबा शरारतें करता है, उसको कहते हैं लेट चाइल्ड हुड। ठीक है, 50 क्वेश्चन है। एक्साइटेड स्टेट अराइजिंग इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज कॉल्ड इमोशन, यानी कि जो भी हमें स्टिमुलाई का मतलब होता है कोई ऐसी हमें चीज़ मिले जिससे हम बहुत खुश हो जाएं या हम बहुत नाराज़ हो जाएं। स्टिमुलाई कोई जैसे अमदाद मिलना, उसको कहते हैं कि जब एक्साइटिंग स्टेट होती है ना, तो हमारे इमोशन जो है ना, वो बहुत ही इमोशन को अराइज करती है, कोई भी स्टिमुलाई जो होता है ना, कोई स्टिमुलाई जब हमें मिलता है तो वो हमारे इमोशन को स्टायर करता है, अराइज करता है। वर्ड इमोशन इज डराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इमोवर, इमोवर से निकला है ये, लैटिन वर्ड अमोवर से। ठीक है, इमोशन लफ्ज़ कहाँ से निकला है? लैटिन वर्ड इमोवर से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद है इमोवर मीन्स क्या होता है? टू एक्साइट, स्टायर अप, इसका मतलब होता है पुरजोश करना, स्टायर अप। ठीक है, इमोशन अराइज अब्रप्टली बट डाई स्लोली, जो इमोशंस होते हैं ना जज्बात, वो अब्रप्टली अचानक से उठते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ख़त्म होते हैं। हम अचानक ही बहुत खुश हो जाते हैं, फिर वो जो खुशी होती है वो ये नहीं कि यकदम ही ख़त्म हो जाए, फिर वो एक दो दिनों बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो खुशी होती है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, स्लोली ख़त्म होते हैं इमोशंस। ठीक है, विच इज़ मास्टर इमोशन, सब मास्टर इमोशन कौन सा है? सबसे बड़ा इमोशन, मास्टर इमोशन है फियर का, डर का इमोशन होता है सब में। ठीक है, इसके बाद है लिम्बिक सिस्टम इज ऑफन कॉल्ड इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम इज ऑफन कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। बेसिक बोर्न इमोशंस जो बुनियादी तौर पर हर एक में मौजूद होते हैं, बेसिक बोर्न इमोशन जो पैदाइश के साथ ही पैदा हो जाते हैं, वो लव भी होता है और फियर भी, लव एंड फियर, ये दोनों आपने याद रखने हैं, ये बेसिक बोर्न इमोशंस हैं, लव एंड फियर। ठीक है, इसके बाद 57 है, फर्स्ट इमोशनल एक्सप्रेशन अपीयर इन इन्फेंट्स जनरल एक्साइटमेंट, जो फर्स्ट इमोशनल एक्सप्रेशन अपीयर इन इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी पैदा हुए होते हैं, तो पहला एक्सप्रेशन में क्या पैदा होता है? जनरल एक्साइटमेंट, यानी कि में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। 58 है, इमोशनल स्टाइल वन डिस्प्लेज इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स इज टेम्परामेंट, यानी कि कोई भी रिस्पॉन्स में, एक कोई वाक्या हुआ, इवेंट हुआ, उसमें जो रिस्पॉन्स देगा, डिस्प्ले करेगा, जाहिर करेगा, इमोशनल स्टाइल होगा जो उसका, उसको कहते हैं टेम्परामेंट। क्या कहते हैं उसको? उसका कहते हैं ना टेम्परामेंट बहुत अच्छा था, वो बहुत ऐसे बहुत ही धीमे मिजाज से खेलता है, चाहे जितना मर्जी उसको, जैसे धोनी था या जो है वो रिजवान है, बाबर आजम है, तो उनका टेम्परामेंट जो है ना वो बहुत ही ऐसे, वो इतना इमोशनल स्टाइल, उनका जो टेम्परामेंट है ना वो बहुत ही अच्छा है, जितनी भी सिचुएशन हो, मैच जैसा भी हो, लेकिन वो अपने अपने टेम्परामेंट को नहीं खोते। ठीक है ना, ये होता है टेम्परामेंट। 59 है, एन इमोशनल बाउंड टू पर्टिकुलर पर्सनल पर्सन, यानी कि जो हम जज्बाती तौर पर किसी पर्सन के साथ अटैच हो जाते हैं उसको कहते हैं अटैचमेंट। क्या कहते हैं? अटैचमेंट, हम उसे बहुत पसंद करने लग जाते हैं, अटैचमेंट हो जाती है, बाउंड बन जाता है, ताल्लुक बन जाता है, उसको कहते हैं अटैचमेंट। ठीक है, इसके बाद है वर्ड मॉरल इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो वर्ड मॉरल है ना, अखलाक याद का लफ्ज़, लैटिन वर्ड से ही डराइव किया गया है, कि ये एम सी क्यू जाता है, और लैटिन वर्ड है मोस, MOS से, मोस से ये ड्राइव किया गया है। और मोस का अब मतलब क्या होता है? मोस मीन्स मैनर एंड हैबिट, मैनर एंड हैबिट। 62 है, नो क्लियर कट आंसर रिगार्डिंग मॉरली करेक्ट एक्शन इज कॉल्ड मॉरल डेलिमा, मोस का मतलब होता है मैनर और हैबिट, नो क्लियर कट आंसर रिगार्डिंग मॉरल करेक्ट, मॉरली करेक्ट एक्शन, तो उसे कहते हैं मॉरल डेलिमा। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर कोई क्लियर कट आंसर नहीं ना देता, तो उसको कहते हैं इसमें अखलाकी जो है ना वो मॉरल डेलिमा है इसमें। ठीक है, 63 है, वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो हमने पढ़ा है ना वर्ड साइकोलॉजी, ये किस लफ्ज़ से ड्राइव किया गया है? ग्रीक वर्ड साइकी, साइको एंड साइकी एंड लॉगी, साइकी
एंड लॉगी, दो लफ्ज हैं इसके। ये मैंने आपको जो दूसरा डिटेल में हम सब्जेक्टिव वाइज पढ़ने हैं उसमें आपको समझाया कि साइकी का मतलब होता है, साइकी का मतलब होता है सोल, और लॉगी का मतलब होता है स्टडी। द स्टडी ऑफ सोल इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। पहले ज़माने में कहा जाता है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल, फिर बाद में कहते हैं कि नहीं ये तो माइंड का मतलब, फिर बाद में कहते नहीं तो ये तो इंसान के करेक्टर का मतलब है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं 64 क्वेश्चन। मूड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अडल्टहुड, यानी कि मूड्स कहते हैं ना इसका तो मूड ही बहुत ख़राब है, तो ये कब पैदा होते हैं, तो ये होते हैं अडल्टहुड में। अडल्टहुड जब बंदा जवान हो जाता है ना, कोई भी बच्चा या बंदा या औरत या लड़की, तो वो उसमें तब पैदा होते हैं। मूड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अडल्टहुड, अडल्टहुड में पैदा होते हैं। तो इन बॉर्न 65 है, इन बॉर्न ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सेस। जो इन बॉर्न पैदाइश के साथ ही रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई पैदा होते हैं जो इंसान में होते हैं, उनको कहते हैं रिफ्लेक्सेस। पीपल ऑफ सेम एज एंड स्टेटस आर कॉल्ड पीयर्स, उनको साथी कहा जाता है। पीपल ऑफ सेम एज एंड स्टेटस आर कॉल्ड पीयर्स, उनको साथी कहा जाता है, एक एज के जो लोग होते हैं। तो आज हमने 66 तक पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद 67। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।